पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अपने खिलाड़ियों के साथ अगले कुछ घंटों में भारत पहुंचने वाले हैं। इस्लामाबाद से दुबई के रास्ते होते हुए टीम पाकिस्तान भारत आ रही है। इससे 24 घंटे पहले बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बाबर ने अपने डर समेत पूरी टीम के खौफ के बारे में भी बताया है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इंडिया आने से डर क्यों लगता है? पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने भारत आने से ठीक पहले अपना डर बता दिया। कैमरे के सामने ये बताया कि उनकी टीम के किसी खिलाड़ी ने पहले कभी इंडिया में बैटिंग या बॉलिंग नहीं की है, यानी भारत में खेलने के बारे में टीम बाबर का एक्सपीरियंस जीरो है। बाबर की बातों पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि वो अब तक अपने सीनियर खिलाड़ियों सहित बाकी सब से बात कर चुके हैं। शायद उन्होंने भारत के पिचों के बारे में न जाने कितने सवाल पूछे हैं। इसका मतलब एक ही है कि बाबर को भारत आने से भी डर लग रहा है। पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबर आजम ने साफ साफ कहा कि उन पर कोई प्रेशर नहीं है, पर इस बयान को पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल से पहले ही बाबर का मैच हारने वाला ऐलान बता रहे हैं। आज रात पाकिस्तानी टीम हैदराबाद पहुंचने वाली है। पाकिस्तान से रवाना होकर दुबई के रास्ते टीम बाबर इंडिया पहुंचने वाली है और पाकिस्तान में अब तक इसी बात पर बवाल चल रहा है कि बाबर ने अपना गेम प्लान मीडिया से क्यों नहीं शेयर किया। पाकिस्तानियों को बाबर पर भरोसा नहीं है, वजह है एशिया कप में टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। सवाल इसके बारे में भी किए गए और बाबर ने क्लियर कर दिया कि दोबारा गलती नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोशल मीडिया में सब मिलकर टीम पाकिस्तान पर निशाना लगा रहे हैं। फिलहाल एक बात तय है कि बाबर ने अपनी कमजोरी बताकर खुद को पाकिस्तानियों का टारगेट नंबर 1 बना लिया है। रिपोर्ट, सी मीडिया।